स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 48 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है, ओके? कहता है हम लोग शिक्षक थे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, ठीक है। और वाक्य के अंत में आप देखो था थे थी लगा हुआ है तो वाज वर प्रयोग में आएगा, ठीक है। वी के साथ क्या आता है, वर आता है तो वी वर। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना होगा, पहले देखो We means हम लोग होता है, अर्थात सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, एक से अधिक प्राणी का बोध कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है तब उसे भी आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो शिक्षक क्या है, काउंटेबल नाउन है तो इसे आपको क्या करना है, प्लूरल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सिंगुलर में है तो इसे आपको प्लूरल करना पड़ेगा। हम लोग शिक्षक थे, वी वर टीचर्स, ठीक है। हम लोग शिक्षक थे, वी वर टीचर्स। यहाँ पर मैंने एस लगाकर टीचर को टीचर्स कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। अब है हम लोग नेता थे, सेम थिंग है तो क्या आ जाएगा, वी वर लीडर्स। देखो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है इसलिए कंप्लीमेंट में जो नाउन था उसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया, ठीक है। हम लोग विद्यार्थी थे, We were students. Same thing है, subject plural number है तो complement में चूंकि noun countable है तो उसे मैंने s लगाकर plural बना दिया, ठीक है। तुम लोग किसान थे, देखो you चाहे singular number में हो चाहे plural number में हो इसके साथ हमेशा क्या आता है, were आता है, ठीक है। किंतु यहां पर हम जो हिंदी वाक्य है उस पर गौर करेंगे, तुम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है तब आपको क्या करना है, कंप्लीमेंट में जो नाउन है इसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग किसान थे, यू वर फार्मर्स। फार्मर को मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। तुम लोग भिखारी थे, यू वर, सेम थिंग है, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, तुम लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है तब कंप्लीमेंट में जो नॉन काउंटेबल है उसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बेगर्स हो जाएगा, बेगर में मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। तुम लोग भिखारी थे, यू वर बेगर्स। आप लोग डॉक्टर थे, क्या हो जाएगा, यू वर डॉक्टर्स। डॉक्टर में मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहने से एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है और कंप्लीमेंट में नॉन काउंटेबल है तो उसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। आप लोग हाकिम थे, सेम थिंग है, यू वर ऑफिसर्स। ऑफिसर में मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया, ठीक है। आप लोग हाकिम थे, यू वर ऑफिसर्स। वे लोग नेता थे, दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, दे के साथ क्या आता है, वर आता है। अब सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो कंप्लीमेंट में जब नॉन काउंटेबल है तो इसे भी हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लीडर्स, ठीक है। वे लोग नेता थे, दे वर लीडर्स। वे लोग किसान थे, दे वर फार्मर्स। सेम थिंग है, वे लोग क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है, बहुवचन है और कंप्लीमेंट में नाउन आपका क्या है, काउंटेबल है तो उसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। वे लोग विद्यार्थी थे, दे वर स्टूडेंट्स। सेम थिंग है, दे क्या है, प्लूरल नंबर में है, सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, कंप्लीमेंट में नाउन विद्यार्थी क्या है, काउंटेबल है तो इसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। वे लोग विद्यार्थी थे, दे वर स्टूडेंट्स।
अब राम और श्याम विद्यार्थी थे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम एंड श्याम। अब देखो सब्जेक्ट क्या, राम और श्याम थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, विद्यार्थी क्या काउंटेबल नाउन है, तो इसे आपको एस लगाकर प्लूरल बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। राम और श्याम विद्यार्थी थे, राम एंड श्याम वर स्टूडेंट्स। अब क्या है, नीता और गीता नर्स थी, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे नीता एंड गीता, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब जो कंप्लीमेंट में नाउन है इसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा क्योंकि काउंटेबल नाउन है, क्या आ जाएगा, नर्सेज। नीता और गीता नर्स थी, नीता एंड गीता वर नर्सेज। अब है लड़के भिखारी थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज वर बेगर्स। यहां पर आपको दो बातों को ध्यान देना होगा, पहली बात ये, यदि जनरली नाउन प्लूरल हो तब उसके पहले द प्रयोग नहीं करते हैं, बट यदि कहने वाला जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उस नाउन से पूर्व परिचित है तब उसके पहले निश्चितता का बोध कराने के लिए द प्रयोग करेंगे, फिर चाहे नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। यहाँ पर नाउन प्लूरल है, बट यहाँ पर क्या है, निश्चित लड़कों का जिक्र है कि लड़के भिखारी थे, इसलिए यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए मैंने प्लूरल नाउन के पहले द प्रयोग किया। दूसरी बात, सब्जेक्ट आपका देखो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ठीक है, और कंप्लीमेंट में जो नाउन भिखारी है ये क्या है, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मैंने बेगर में एस लगाकर प्लूरल बना दिया, लड़के भिखारी थे, द बॉयज वर बेगर्स। अब है शिक्षक गण नेता थे, क्या हो जाएगा, द टीचर्स वर लीडर्स। यहाँ पर भी सेम थिंग है, पहली बात तो ये कि नाउन यहाँ पर प्लूरल है, जनरली द का प्रयोग नहीं होता, बट यहाँ पर द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है कि शिक्षक गण नेता थे, किसी निश्चित शिक्षकों का यहाँ पर जिक्र है, बात हो रहा है, तब नाउन प्लूरल है, फिर भी मैंने यहाँ पर द लगाया निश्चितता का बोध कराने के लिए। दूसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और कंप्लीमेंट में जो नाउन है काउंटेबल है, तब इसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया, शिक्षक गण नेता थे, द टीचर्स वर लीडर्स।